गूगल प्ले बीटा में क्या स्प्रिंट बटन फीचर को हमारे ओल्ड जैसा देखने को मिलेगा? क्योंकि जब हमारा OB43 अपडेट आया था उसके बाद से हमको स्प्रिंट बटन करने के लिए होल्ड एंड प्रेस करके रखना पड़ता उसको, तब जाके हम रन कर पाते। लेकिन अभी के टाइम पे हमारा OB44 का अपडेट आने वाला है जो कि 17 अप्रैल के दिन है। आप सबको पता चली गया होगा 17 अप्रैल के दिन हमारा OB44 का अपडेट आने वाला है। पिछली बार के OB43 के अपडेट के बाद हमारा जो कुछ चीजें फिक्स हुई थी गूगल प्ले बीटा में, वो थी एक हमारी ग्लूवल वाली प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा ग्लिच होती थी, एक साथ ही सारी ग्लूवल लग जाती थी, वो फिक्स हो गई थी। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक नई प्रॉब्लम दे दी थी जो कि हमारे स्प्रिंट बटन के ऊपर। तो आज का हमारा विषय यही है कि क्या OB44 में हमें हमारे ओल्ड स्प्रिंट बटन देखने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में और भी कुछ है स्प्रिंट बटन के अलावा, जैसे कि हमारे OB44 में जो पीसी प्लेयर के लिए चेंजेस हुए हैं उनके ऊपर। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और जो भी पीसी प्लेयर में नया नया है वो एक बार हमारी बिगिनर टू एडवांस वाली सीरीज जाकर देख लेना, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने फ्री फायर में पीसी डे 1 से लेकर तो जब तक आप प्रो नहीं बन जाते तब तक के एक एक जरूरतमंद वीडियो है आपके पास, इसलिए उस प्लेलिस्ट को जाकर एक बार जरूर चेक कर लेना। मैंने आज से 2-2.5 महीने पहले जब हमारा OB43 का अपडेट आया था उसके बाद स्प्रिंट बटन के मैंने बहुत ज्यादा चीजें आपको बताई थी, सॉल्यूशन करने का अलग अलग तरीका बताया था, किसी का कुछ थोड़ा बहुत हो जाता था सॉल्यूशन, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के द्वारा चल भी जाता था लेकिन इतना अच्छे से नहीं चलता था। मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर कमेंट करते भाई स्प्रिंट बटन का सॉल्यूशन कैसे भी लेके आओ, या फिर जो स्प्रिंट बटन रहती है उसमें हमको लॉन्ग रेंज में कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन जो क्लोज रेंज वाली फाइट रहती है, हम अगर किसी कमरे में बंद रह के आप फाइट लेते तो वहां पर हमें उसको मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मैंने आज से 2-2.5 महीने पहले आपको बताया था कि आपको फ्री फायर को या फ्री फायर को नहीं गूगल प्ले बीटा को आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, उनको ईमेल लिख के भेजना है, उनको आपको हेल्प सपोर्ट से आपको बोलना है। तो देखो वो 2 महीने पहले हुआ था तो उन्होंने चलो हमारे फीडबैक को सुन लिया होगा एक बारी के लिए कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, इनको ये फीचर अच्छा नहीं लग रहा, हम चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर उनका ध्यान हट जाए, इसलिए मैंने अभी भी यानी कि अब OB44 का अपडेट आने वाला है तो मैंने इसी के टाइम पे मैंने आज से 2-3 दिन पहले मैंने उनको वापस से एक मेल कर दिया था कि आप इस स्प्रिंट बटन फीचर को एक बार लेकर रिलेटेड करो। तो चलो मैं आपको उसकी थोड़ी बहुत झलक दिखा देता हूँ। दरअसल मैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में हूँ इसलिए मुझे एक मौका मिलता है कि जो हमारे यूट्यूब के सॉरी जो गूगल की कम्युनिटी रहती है उनसे हम डायरेक्ट ईमेल से बात कर, ईमेल के अलावा हम डायरेक्ट चैट जिसे बात करते हैं उससे हम बात कर सकते हैं। तो मैंने पहले उनसे डायरेक्ट चैट पर बात करी लेकिन फिर उन्होंने मुझसे वीडियो प्रूफ मांग लिया कि इसका वीडियो प्रूफ दे दो, आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसका कैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने को वीडियो प्रूफ देने के लिए ईमेल पर शिफ्ट करना पड़ा था। तो जो ईमेल पर हम शिफ्ट हुए थे तब मैंने उसकी ईमेल का 2-4 स्क्रीनशॉट मैं आपको बता देता हूँ कि उनसे क्या क्या बात हुई और उनका क्या रिप्लाई आया, क्या रिस्पॉन्स आया। सबसे पहली चीज जो उन्होंने मुझे भेजी थी वो थी कि आप हमको वीडियो प्रूफ भेजो, कुछ इस प्रकार की ईमेल मेरे को सामने से मिला था। वीडियो प्रूफ सेंड करने के बाद जो उनका ईमेल का रिप्लाई मिला तो उन्होंने कहा कि ये एक गेम के अंदर की प्रॉब्लम है जिसे हम डायरेक्टली इमुलेटर डेवलपर वाले सोल्व नहीं कर सकते, आपको इसके लिए फ्री फायर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे फ्री फायर से कॉन्टैक्ट करने को बोला तो भाई फ्री फायर की उन्होंने खुद ने ईमेल दी थी कि आप इस ईमेल पर फ्री फायर को कॉन्टैक्ट करो, तो मैंने फ्री फायर को उस ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट किया लेकिन वहाँ से इनका एक ऑटो जनरेट रिस्पॉन्स आया, उनका कोई भी सही रिस्पॉन्स नहीं आया जो कि मतलब ऑटोमेटिकली ही रिस्पॉन्स करते कि थैंक्स फॉर रीचिंग आउट अस, फिर उसके अलावा हमको कोई भी मेल या फिर उनके किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं आया। यही बात मैंने उनको बताया कि जो कि उनके ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, वो सिर्फ हमको ऑटो जनरेटेड ईमेल भेज रहे। तो उन्होंने कहा कि आप हमको ईमेल का जो हमने ईमेल जो फ्री फायर को करी उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज दीजिए। तो मैंने आज की तारीख में उसे उनको ये भी भेज दिया। अब बात यहाँ पर ईमेल की नहीं है, देखो बात यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को लग रहा था कि मैं इतने दिन का कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके ऊपर बता देता हूँ कुछ भी। देखो मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ भाई, मैं इसके ऊपर अपना काम कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर पढ़ा हो रखा हूँ, मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ट्राई की है जो कि मैंने वीडियो बना के नहीं भेजा, क्योंकि भाई अगर एकदम से सोल्व हो जाए तो उसका मैं आपको वीडियो बना के भेज दूँ, बार बार क्लिक बेट करने से क्या मतलब निकलेगा। लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोगों में से कुछ लोग हमको बोलते कि भाई हमारा इतनी जल्दी कमेंट को रिप्लाई दे देता हूँ, फिर भी भाई लोग आप यार मेरे को सपोर्ट नहीं करते, भाई प्लीज़ सपोर्ट करो, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि गूगल प्ले बीटा एक बहुत ही मस्त वाला इमुलेटर, इसमें बहुत ज्यादा अच्छी सेंसिटिविटी मिलती है, हमको बहुत ज्यादा इजी तरीके का गेम प्ले मिलता है। और हमारा 17 अप्रैल के दिन हमारा OB44 का अपडेट भी आने वाला है जिसमें देखो पहले तो ये गूगल प्ले बीटा की बात होगी, मैंने इनको मेल कर दिया आप चलो ये फीचर पर ध्यान देंगे, तो इसका मतलब है कि भाई अगर इन्होंने हमारे फीडबैक पर ध्यान दिया तो 90% भाई हमारी स्प्रिंट बटन ठीक हो जाएगी, मतलब 90% चांसेस है कि ये 100% गारंटेड ठीक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमारा अगर फीडबैक देखा होगा तो ये ठीक होनी होनी ही है, वरना सब लोग ब्लू स्टेक से फिर अदर इमुलेटर पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि फर्क तो कुछ इसमें कुछ है ही नहीं, ना ही हमारी गूगल प्ले बीटा में मैच मेकिंग लगती है, ना ही हमारी ब्लू स्टेक्स में मैच मेकिंग लगती है, सिर्फ गूगल प्ले बीटा हमको लेग फिक्स जो लेग फ्री वाला गेम प्ले देता है वो दे देता है, इसी कारण हम गूगल प्ले बीटा में खेलते थे। ये तो हो गई स्प्रिंट बटन की बात, चलो स्प्रिंट बटन देखो आपका आ जाएगा, चिंता मत करो, OB44 का अपडेट करो, अगर OB44 का अपडेट तक नहीं आया तो फिर आप ब्लू स्टेक्स पे शिफ्ट हो जाना, उसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ब्लू स्टेक्स फ्री फायर बिगनर टू एडवांस, तो आप एक बार उसको देखो और उसमें आप ब्लू स्टेक्स में गेम प्ले करना सीख जाओगे आसानी से, आसानी गेम है उसमें भी। लेकिन भाई यार ऐसी भी अगर रही तो देखो हम तो अच्छे से खेल लेंगे, मान लो चलो हमने खेल लिया एक आधा गेम अच्छे से खेल लिया, लेकिन अगर सामने वाला बंदा जो है वो अच्छे मूवमेंट से मार रहा है, वो भी सामने वाला पीसी प्लेयर है, वो अगर अदर इमुलेटर में खेल रहा है तो वो तो हमें आसानी से किल करके चला जाएगा, इसलिए यार एक गूगल प्ले बीटा का स्प्रिंट बटन बहुत ज्यादा बेकार लगा मुझे। और जो मैं पीसी में कुछ और अपडेट आपको बताने की बात कर रहा था कि पीसी प्लेयर के लिए क्या अपडेट आएगा OB44 में, देखो जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ब्लू स्टेक्स वाले इमुलेटर के लिए, क्योंकि जो ब्लू स्टेक्स में खेलते थे ना उनको गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, जो रन करते
कार रन करते हैं गाड़ी चलाने में उसमें प्रॉब्लम आती थी, लेकिन ओबी 44 के अपडेट के बाद जो हमारी कार वाली जो हम रन वाला सेक्शन रहेगा हमारा जिसमें हम कार चलाते हैं उसके लिए एक अलग ही कस्टम एचयूडी दे रखा है। उससे हम ब्लू स्टेक्स के अंदर भी हम अलग से कस्टम एचयूडी को ठीक कर सकते हैं, उससे हम डायरेक्ट हमारी की मैपिंग जो रहती है उसी के हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं। ये फीचर हमें ओबी 44 के एडवांस सर्वर में तो मिला था, लेकिन अब पता नहीं इसमें आया या नहीं आया क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें नई आती है, लेकिन आ तो जानी चाहिए। बस अब तो सिर्फ 17 अप्रैल का इंतजार है। 17 अप्रैल के दिन जो भी चीज नया आएगा मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा कि ये नया चीज चाहे गूगल प्ले बीटा में हो, ब्लू स्टेक्स में हो या फिर फ्री फायर में ही क्यों ना हो। अगर आपको ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर दबा देना। भाई चैनल हैक होने के बाद बहुत ज्यादा डाउन गया, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितनी बार सब्सक्राइब करने को बोल दिया है भाई, कर देना।